तो हेलो दोस्तों, मिलिए हमारी बड़ी जिठानी जी से। गांव से आई हैं ये, अभी हम लोग विदिशा में ही हैं। हमारी सासू माँ, हाँ तिला दो माँ, हेलो हाय कर लो दोस्तों से। सभी लोग देखेंगे, मतलब अपने फैमिली वाले भी देखते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी जिठानी, मतलब हम चार भाइयों में सबसे बड़ी। कितना कष्ट हो रहा है, बुढ़ापा आ गया इनका। कमर दुख रही है इनकी। और ये जो हम नौ भाई हैं ना, उनमें ये दूसरे नंबर की हैं। ये आई हैं अभी गांव से। और हमारी छोटी जिठा देवरानी जी, ये हमारे पति देव लेके हुए आराम से। गप्पे चल रही हैं सर की, भाभी हम संग मजाक मस्ती। और हमारी देवरानी जी काम कर रही है कुछ। अरे तो क्या हो गया, सब ऐसे ही रहते, सब तैयार। तुम बिना तैयार के अच्छी लगती हो। हम तैयार में अच्छे लगते हैं। रीना हमारी देवरानी खाना बना रही, क्या बना रही, कड़ी बना रही, कड़ी खीर बना रही, खीर बना रहा है, खीर बना रही, आलू की सब्जी बना रही, कड़ी अम्मा बना रही है। अभी हमारी सासू माँ बहुत अच्छी कड़ी बना रही है। और क्या बना है, देखो आलू की सब्जी बना रही, रीना अच्छी सब्जी बनाती है इसलिए रीना बना रही है, ये खीर बन रही है। अभी क्या है, आज 14 से 14 के दिन हमारे ससुर जी का दिन होता है, तो पंडित खिलाते हैं हम लोग, तो उसके लिए खाना बन रहा है। तो बस अभी बीच बीच में आपसे अपडेट देते रहेंगे आपको अपने घर की। अभी हमारी एक और जिठानी जी, वो नहीं आई है, तो वो भी आ जाएंगी ना, फिर उनके भी दिखाएंगे। देखिए वहाँ चल रही है, और बच्चों की ये जो हमारी बड़ी वाली जिठानी, उनकी सुपुत्र हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। अगरबत्ती हमें नहीं लगानी, भगवान के लगानी है। तो जे देवरानी की लड़की है रिया, इसे तो बहुत शौक है वीडियो से। तो भगवान की पूजा तो सबकी हो गई है, बच्चे करते। और ये है अंश, अंश राजा, अंश अंश नहीं, क्या है, शिवांक, क्या नाम है, ये रिया का छोटा भाई है, मतलब देवरानी का बेटा। बहुत मस्ती खो रही है, बहुत मस्ती करता है। कितनी मस्ती करता है, बहुत मस्ती करता है ना। अरे अच्छा, अपना रियल नाम तो बताओ, स्कूल में क्या है, स्कूल में क्या नाम है आपका, क्या स्कूल का क्या नाम है, शिवांक, शिवांक मिश्रा है ना। हाँ अच्छा, सहलू को तो पहले, नन्नू को पहली बार बांध रही होगी रात की, इनने पहली बार ही बांधी। अच्छा सब बैठो नन्नू,
वही तो कह रहे डरा डरा के राखी बांध रही रुमाल सरक गया भाई भाई पैसे बांटे जा रहे हैं। इस एड़े को पेड़े खिलाओ उस हाथ से खिला उस हाथ से उस हाथ से पहले उस हाथ से खा ले बता अरे 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 कटना नहीं है बिल्कुल रिया खाना नहीं है खाना नहीं है वीडियो भी बन रही रिया जल्दी कर दे बस थोड़ी मिठाई भी नहीं खिलाई जाती पापा को और यहाँ पर जब ये राखी बंधवा रहे थे इनके बचपन के फ्रेंड की कॉल आ रही थी आशीष जैन इनके दोस्त हैं ये आशीष भैया तो ये फैमिली के साथ आए थे तो हम लोगों ने कुछ फ़ोटो सेशन किया। इंदौर में डॉक्टर हैं ये तो दोस्तों आज 14 का दिन है ये 14 का दिन मेरे ससुर जी का होता है तो उस दिन हम एक पंडित जरूर खिलाते हैं। तो ये देखिए कुछ होम भोग वगैरह लगा रहे हैं पापा जी को और पंडित जी को खाना खिला रहे हैं। बलून का कलर देखो सेम टू सेम अब आ गए रिया और निशी के जो दोनों भाई आ गए अभी एक तो चला गया उसकी बाथरूम से वीडियो बना लो बाथरूम में घुस गया क्या ये देखो मिठाई आ गई है एक एक अरे वाह सोचा कौन सी उठा लो चलो तो मिठाई पर अटैक हो गया भाई निशी तुम्हें नहीं चाहिए क्या सुमित कहाँ है इतना बुरा मुंह क्यों बना रही है सुमित को दे देना चलो तुम चलो अंश बैठना बैठना होता बैठ हमारी बच्चा पार्टी सारी मस्ती कर रही है हेलो हेलो तुम्हारा तभी तो वो दांत चला गया मीठा खा खा गया गाइस अब यहाँ पर मम्मी और सारी बड़ी मम्मी खाना खाने बैठ गई हैं देखिए हाय सबका खाना चल रहा है यहाँ पर बस तो दोस्तों आ गए हम दिल्ली में अपनी वापस बस क्योंकि रात में हमारी ट्रेन थी ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाए टाइम नहीं मिला वहाँ पर घर में घुसते ही से आप इसे एंट्री करते थे खाना बनाने लगे पति देव को ड्यूटी जाना है हम तो ड्यूटी का टाइम हो रहा है तो बोल रहे हैं कि खाना मत बनाओ कुछ मत बनाओ मैं देख लूँगा देखना उन्हें कुछ नहीं है खाना कुछ नहीं है उनको बाहर खाते ही नहीं आप इसी में जो बना रहे चावल चाय तो मैंने चावल उबाल लिए हैं ब्रेड लेके आई थी कि बच्चे चाय इसके साथ ब्रेड खा लेंगे और ना चावल बना लिए हैं बॉयल कर लिए हैं फ्राई कर फ्राई राइस रख दूँगी बस थोड़े से क्योंकि वो बाहर का खाते नहीं वो पूरे दिन निकले रहेंगे इसलिए आते इसी ड्यूटी जाना है उनको जाना था लेट हो गई ना हमारी ट्रेन नहीं तो टाइम से आ जाते ट्रेन लेट हो गई तब ड्यूटी का टाइम हो गया तो मैं सोचा ये चावल फ्राई यही रख दूँ यही रख देती हूँ उनको निशी तो ब्रेड चाय शुरू हो गई हमारी ट्रेन का टाइम था सुबह क्या नाइट सुबह अर्ली मॉर्निंग 3:30 और कितने बजे पहुँची सुबह 7 पहुँची हमारी ट्रेन लेट तो होने था 9 ड्यूटी जाना होता है इनको तो हम 9 तो पहुँचे ही हैं चावट में फ्राई राइस बन गए ठंडे होने रख दिए बस वही रख दूँगी उनको
नहीं तो वो कुछ नहीं खाते पूरे दिन, ऐसे ही शाम को आके खाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग अभी इतना ही, अभी मैं चाय बना के पी लूँ, वो ड्यूटी जा रहे हैं बस जस्ट, ठीक है। तो आज के लिए बाय बाय, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक कमेंट कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।